वेलकम टू द फ्लैग इज़ अप। जी हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं बट फुटबॉल में ये मैच खेला जाने वाला है कुछ ही दिनों बाद। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप 2023, जिसके इंडिया डिफेंडिंग चैम्पियन भी है, उसका पहला मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 21 जून को कहीं और नहीं इंडिया में ही बेंगलुरु में खेला जाएगा। जी हाँ, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों ही टीम्स बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं, लेकिन इंडिया का अगर आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखें, पाकिस्तान के कंपैरिजन में इंडिया की फुटबॉल ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। यही नहीं, साउथ इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट टीम है और इंडिया ने 8 बार इस टाइटल को जीता है। तो ये एक ऐसी टूर्नामेंट जहाँ पे इंडिया हमेशा डोमिनेट करता है अपोजिशन को। लास्ट टाइम भी इंडिया ने नेपाल को 3-0 से फाइनल में हरा के इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया था। 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015 and 2021 के चैंपियंस थे इंडिया। तो इतनी ज़्यादा बार इस टूर्नामेंट को जीतकर इंडिया एक बहुत ही डोमिनेंट टीम जो है इस टूर्नामेंट में कहलाई जाती है। ग्रुप ए में इंडिया पाकिस्तान के अलावा कुवैत और नेपाल को रखा गया है और ग्रुप बी में लेबनान, मालदीव्स, भूटान और बांग्लादेश को रखा गया। कुवैत और लेबनान स्पेशल इन्वाइटीज़ हैं, वो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के जो एम्बिट में नहीं आते हैं बट उन्हें स्पेशल इन्वाइट के ज़रिए बुलाया गया है यहाँ पे। इस टूर्नामेंट की सबसे हाईएस्ट रैंक टीम जो फीफा की है वो लेबनान है, जिसके पास जिसकी रैंकिंग 99th है, और उसके बाद आता है इंडिया, फॉलोड बाय कुवैत जो कि 143 पे है, नेपाल जो कि 174 पे है, पाकिस्तान जो कि 195 पे है, मालदीव जो कि 154 पे है, भूटान जो कि 185th रैंक पे है और बांग्लादेश जो कि 192 रैंक पे है। तो ये टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है इस बार इंडिया। अगर आप लोग बेंगलुरु में हैं या बेंगलुरु में आपका कोई दोस्त है, अगर कोई भी है, तो प्लीज़ जाके ये मैचेस देखिए, टीम को सपोर्ट कीजिए, दिखा दीजिए कि इंडिया जो है फुटबॉल के लिए रेडी है, एक वर्ल्ड स्टेज पे एक अच्छा मैसेज जो है वो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस मैच को देखने जाएं। इंडिया और पाकिस्तान के मैच की जहाँ तक बात की जाए, दोनों टीम्स का कोई बहुत ज़्यादा टक्कर है नहीं। इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है पाकिस्तान से। अगर फिर भी हमें उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखना हो तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच अभी तक जो मैचेस हुए हैं वो हो चुके हैं 24, जिनमें इंडिया ने 11 में जीत, 3 में हार और 10 ड्रॉस देखे हैं। तो काफ़ी वन साइडेड सा आपको इसमें दिखेगा कि इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है, और मुझे यही लगता है कि इंडिया बहुत आसानी से इस मैच को जीत लेगा। बाकी तो मैच देखेंगे 21 जून को बेंगलुरु में। अगर आप लोग बेंगलुरु में तो प्लीज़ 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 स्टेडियम जाइए और इस मैच को देखिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, और देखते रहिए द फ्लैग इज़ अप।